हुए। काफी अच्छा बॉल कंट्रोल यहां पे बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी के खिलाड़ियों का। एक अच्छा मौका दोबारा बनता हुआ लेकिन गोलकीपर ने बॉल को डिफ्लेक्ट किया। 16 यार्ड हिट के लिए यहां बॉल बीएमयू के पास। सैम मुंडा जर्सी नंबर 6 में खेल रहे हैं बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी के लिए, जर्सी नंबर 16 में दीवान। अच्छे से बॉल को मूव करते हुए आपस में बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी के खिलाड़ी। कभी भी एक स्ट्रॉन्ग हिट आ सकती है, ये एक डेंजरस प्ले होगा। जी हां, बॉल पोजीशन जाएगा बीएमयू के हक में। बॉल को आपस में मूव करते हुए यू भोपाल के खिलाड़ी। तो यही स्ट्रेटजी रही है उनकी इस पूरे मैच में। शूटिंग सर्कल के अंदर बॉल को लेकर पहुंच चुकी है बीयू की टीम। लॉन्ग कॉर्नर दोबारा से उसी सेम स्ट्रेटजी के साथ अपना अटैक प्लान करती हुई बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी की टीम। सैम मुंडा के पास बॉल, अच्छे से उसको तेजी से बॉल लेके अंदर पहुंचे शूटिंग सर्कल के। अच्छा मौका यहां पे लेकिन बॉल जो है उसको पोजीशन में नहीं रख पाई बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी की टीम। बैकलाइन से बॉल बाहर जाती हुई, 16 यार्ड हिट मिली है यहां पे बीएमयू की टीम को। एक स्लॉपी प्ले कह सकते हैं आप यहां पे, जिसकी वजह से बॉल मैदान से बाहर गई। और इसी के साथ दूसरे क्वार्टर का खेल समाप्त होता हुआ। दो क्वार्टर के बाद स्कोर है बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी भोपाल 2 गोल और बीएएमयू संभाजीनगर 0। 5 मिनट के हाफ टाइम ब्रेक के बाद वापस मिलेंगे हम आपसे लाइव एक्शन के साथ। तीसरे और चौथे क्वार्टर बचे हैं अभी इस मैच में, देखना होगा क्या किसी प्रकार से बीएएमयू अपनी वापसी कर पाएगी इस मैच में या फिर एक आसान जीत रहेगी बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी भोपाल के लिए। लाइव एक्शन के लिए बने रहिए एफजीएसएन के साथ।
रास्ते चले आया वापस से स्वागत है आप सभी का। थर्ड क्वार्टर शुरू होने वाला है इस मैच का। हाफ टाइम के बाद स्कोर बीयू भोपाल 2 गोल और बीएएमयू 0। एक अच्छी बढ़त बनाई हुई है यहाँ पे बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी की टीम ने। अपनी उसी स्ट्रेटजी को यहाँ पे कंटिन्यू करती हुई दिख रही है भोपाल की टीम। मुंडा के पास बॉल, काफी अच्छे तेज और सटीक पास सभी खिलाड़ी आपस में करते हुए। भोपाल की टीम के लिए अच्छा मौका बन सकता है यहाँ पे और इसी के साथ एक पेनल्टी कॉर्नर यहाँ पे मिलेगा बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी भोपाल की टीम को। थर्ड क्वार्टर की शुरुआत में ही एक मौका बनता हुआ यहाँ पे भोपाल की टीम इस मौके पे पूरी कोशिश करेगी तो गोल स्कोर करने में सफल रहे और अपनी 2-0 की लीड को 3-0 में कन्वर्ट कर दें। दीवान स्ट्रोक लेने के लिए तैयार, जर्सी नंबर 16 में खेलते हैं अपनी टीम के लिए। अच्छा पास, एक अच्छा स्ट्रोक यहां पे और ये गोल। बहुत ही अच्छा एग्जीक्यूशन बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी के खिलाड़ी का और इसी के साथ तीसरा गोल दाग दिया है यहां पे बीयू भोपाल की टीम ने। तो आप रिप्ले देख सकते हैं इस पूरे प्ले का अपनी स्क्रीन पे। यहाँ पे मौका बनता बीएमयू के पास, अच्छा चांस है उनके पास लेकिन बेहतर डिफेंस और बॉल पोजीशन वापस मिला है बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी भोपाल की टीम को। अच्छा डिफेंस यहाँ पे, बॉल को तेजी से आगे बढ़ाने का प्रयास। दीवान के पास बॉल, अच्छी पासिंग, एक अच्छा मौका बनता हुआ यहां पे अटैक बनाने का पूरा प्रयास रहेगा। शूटिंग सर्कल के पास बॉल लेकिन रेफरी का इशारा, बॉल पोजीशन मिला है बीएमयू भोपाल को लेकिन बॉल को कंट्रोल करने में असफल रहे उनके खिलाड़ी। बॉल मैदान से बाहर, वापस से पोजीशन रिगेन किया बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी की टीम ने। अच्छा इंटरसेप्शन यहां पे, बॉल को डिफ्लेक्ट किया लेकिन पोजीशन अभी भी भोपाल के पास। दोबारा से अपना प्ले सेट करते हुए सैम मुंडा बॉल को लेकर आगे बढ़ते हुए अपनी टीम के लिए, अच्छा पास लेकिन
दोबारा से उस बॉल को कलेक्ट नहीं कर पाई। यहाँ पे भोपाल की टीम बॉल मैदान से बाहर जाती हुई, प्रदर्शन जाएगा पीएमयू के हक में। कोई भी इस बॉल को कलेक्ट करने के लिए मौजूद नहीं था वहां पे, बॉल सीधा बैकलाइन से बाहर, प्रदर्शन यू भोपाल के पास 116 हिट के लिए। शूटिंग सर्कल के अंदर बॉल, लेकिन उसको डिफ्लेक्ट कर दिया, अच्छा डिफेंस। मैच में एक अच्छी बढ़त बना चुकी है बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी की टीम। टीम चुनने से आगे चलती हुई, जो भी टीम इस मैच को जीतेगी वो ऑल इंडिया चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई करेगी और दूसरी टीम का सफर यहीं पे समाप्त हो जाएगा। अच्छा इंटरसेप्शन यहां पे, अच्छा मौका बनता हुआ बीएमयू के खिलाड़ियों के लिए, लेकिन उससे बेहतर डिफेंस। बॉल पैर पे टच हुई यहां पे बीएमयू के खिलाड़ी के, इसलिए पोजीशन वापस मिला है बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी को। अब्दुल के पास बॉल, तेजी से आगे बढ़ते हुए बॉल के साथ काफी अच्छा फुटवर्क, अटैक के लिए मौका ढूंढते हुए यहां पे भोपाल की टीम। शूटिंग सर्कल के अंदर बॉल, इसको डिफ्लेक्ट नहीं कर पाई, खतरनाक हो सकता था बीएमयू के लिए, लेकिन उस बॉल को डिफ्लेक्ट नहीं कर पाया कोई भी भोपाल के खिलाड़ी गोल की तरफ। स्कूप पास, अच्छा कलेक्शन यहां पे, अच्छा ग्राउंडेड पास था लेकिन उसको इंटरसेप्ट किया और ये एक पेनल्टी कॉर्नर यहां पे बीएमयू के लिए। ये एक अच्छा मौका हो सकता है, बाबा साहेब अंबेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी के लिए, कि अपना पहला गोल स्कोर करें वो इस पेनल्टी कॉर्नर के माध्यम से। देखना होगा क्या वो सफल रहेंगे। दोनों ही टीम्स अपनी डिफेंसिव और ऑफेंसिव पोजीशन लेती हुई, जर्सी नंबर 5 के खिलाड़ी गणेश जो कि ये स्ट्रोक बाहर से ले रहे हैं अपनी टीम के लिए, लेकिन बेहतर डिफेंस यहां पे दीवान ने अपनी टीम के लिए, बहुत अच्छा डिफेंस किया। तेजी से बॉल को आगे बढ़ाती हुई यहां पे भोपाल की टीम। शूटिंग सर्कल के अंदर बॉल थी, बॉल को डिफ्लेक्ट करके बाहर भेजा, और यहां पे एक पेनल्टी कॉर्नर और मिलेगा बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी की टीम को। काफी तेजी से उन्होंने डिफेंस के बाद बॉल को अपने अटैक के लिए आगे बढ़ाया था और उसी का उन्हें यहां फायदा हुआ है। उनकी भी पूरी कोशिश रहेगी कि इस अटैक में सफल रहे, अपनी लीड को और आगे लेके जाए। तैयार, अच्छा पास दीवान का एक स्ट्रोक और ये एक और गोल, बहुत ही स्ट्रॉन्ग हिट यहां पे दीवान जो कि जर्सी नंबर 16 में खेल रहे हैं भोपाल की टीम के लिए उनकी तरफ से, और सीधा बॉल गोल के अंदर भेजी उन्होंने। ये
देख सकते हैं पूरा प्ले आपकी स्क्रीन पे, इतना स्ट्रॉन्ग स्ट्रोक था ये सटीक निशाने पे। मैच का स्कोर इस समय पे 4-0 बरकत उल्ला यूनिवर्सिटी 4 गोल और बीएमयू 0। दोबारा से बॉल लेके आगे बढ़ती हुई यहाँ पे बीयू भोपाल की टीम, दीवान के पोजीशन में बॉल, एक अच्छी हिट यहाँ पे और ये एक और गोल, ये एक डिफ्लेक्शन आया जिसकी वजह से ये बॉल सीधा गोल के अंदर गई। 5 गोल हो चुके हैं अब भोपाल की टीम के लिए। शुरुआत में देख के नहीं लग रहा था कि ये बॉल डिफ्लेक्ट होके गोल के अंदर जाएगी, लेकिन गोलकीपर की एक छोटी सी चूक और बॉल डिफ्लेक्ट होके गोल के अंदर गई जिसकी वजह से स्कोर और बढ़ता हुआ बीयू भोपाल के लिए। आप रिप्ले में देख सकते हैं इस प्रकार पूरी तरीके से बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी की टीम अब हावी है बीएमयू संभाजी नगर के ऊपर। देख के भी पता चल रहा है कि बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी भोपाल की टीम एक बहुत बेहतर टीम है और बाकी टीम जो चैंपियनशिप में उनसे आगे खेलेंगी उनके लिए भी वो एक अच्छी चुनौती पेश करेगी। मौका बनता हुआ यहाँ पे बीएमयू के लिए, एक अच्छा स्ट्रोक लेकिन बॉल काफी ऊपर उठ के सीधा गोल पोस्ट के ऊपर से बाहर रिफ्लेक्ट होके गई थी, इसलिए अभी एक लॉन्ग कॉर्नर है बीएमयू के पास। रेफरी की विसिल, पोजीशन अभी भी बीएमयू के पास, शूटिंग सर्कल के अंदर बॉल, अच्छा मौका बन सकता है यहाँ पे और पेनल्टी कॉर्नर, एक अच्छा मौका है बीएमयू के पास, अच्छा प्ले एग्जीक्यूट किया है पेनल्टी कॉर्नर के लिए, उनको बॉल वापस मिलेगी। जर्सी नंबर 5 में गणेश बीएमयू के लिए शॉट लेते हुए, अभी भी मौका है यहां पे बीएमयू के पास, एक और पेनल्टी कॉर्नर मिलेगा यहां पे, रेफरी का इशारा, मौके बनते हुए अब बीएमयू के खिलाड़ियों के लिए भी किसी भी प्रकार से वो चाहेंगे कि एक गोल स्कोर किया जाए। वापस से गणेश जर्सी नंबर 5 में खेल रहे हैं जो अपनी टीम के लिए स्ट्रोक लेने के लिए तैयार। कृष्णा के पास बॉल जो कि कप्तान है, एक अच्छा स्ट्रोक लेकिन गोलकीपर ने उस बॉल को डिफ्लेक्ट किया, काफी अच्छी गोलकीपिंग यहां पे। बॉल पोजीशन अभी भी एमयू के पास ही है, शूटिंग सर्कल के अंदर बॉल लाते हुए एक और पेनल्टी कॉर्नर यहां पे, लगातार अपने प्रहार बढ़ा दिए हैं अब बीएमयू की टीम ने और ये तीसरा पेनल्टी कॉर्नर मिला है पिछले 2 मिनट के अंदर। दोनों ही टीम्स दोबारा से अपनी पोजीशंस पे सेट, इस बार पेनल्टी कॉर्नर का स्ट्रोक लेने के लिए 2 नंबर के खिलाड़ी सूरज गए हैं बीएमयू के लिए। कुछ नई स्ट्रेटजी यहां पे, एक अच्छा स्ट्रोक लेकिन बॉल सीधा बैकलाइन से बाहर, 16 हिट के लिए बॉल यहां पे भोपाल की टीम के पास, जल्दी से आगे बढ़ाती हुई बॉल को भोपाल की टीम, लेकिन इस बॉल को कलेक्ट करने के लिए कोई भी खिलाड़ी मौजूद नहीं था, बॉल सीधा बैकलाइन से बाहर जाती हुई, पोजीशन वापस बीएमयू के पास जाएगा। बहुत ही शानदार हॉकी का प्रदर्शन हमें देखने को मिला अब तक इस मैच में बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी की तरफ से। क्या एक मौका बन सकता है? नहीं, उसको डिफेंस करके बॉल को अपने पोजीशन में लिया भोपाल के खिलाड़ी ने, तेजी से आगे बढ़ती हुई यहां पे भोपाल की टीम, पास निकाला उसको बॉल को लेकिन मैदान से बाहर जाने से नहीं रोक पाए, बॉल पोजीशन वापस बीएमयू के पास।
अच्छी पासिंग यहाँ पे बीएमयू के खिलाड़ियों के बीच, मौका ढूंढते हुए इस बॉल को डायरेक्ट नहीं कर पाया कोई भी खिलाड़ी गोल की तरफ, बॉल सीधा बाहर मैदान से। प्रदर्शन अभी भी बीएमयू की टीम के पास, रेफरी की विसिल, बॉल प्रदर्शन बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी के हक में। सैम मुंडा फील्ड लेते हुए, इसी के साथ तीसरे क्वार्टर का खेल समाप्त होता हुआ। काफी अच्छा क्वार्टर रहा ये बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी भोपाल की टीम के लिए। इस समय पर मैच में स्कोर है 5 गोल्स बीयू भोपाल और 0 बीएएमयू संभाजीनगर। 2 मिनट के इस छोटे से ब्रेक के बाद हम वापस लौटेंगे लाइव एक्शन के साथ चौथे क्वार्टर में। दोनों ही टीम्स मैदान में वापस आ चुकी हैं, चौथा क्वार्टर बस स्टार्ट होने वाला है। रेफरी की विसिल का इंतजार करते हुए सभी खिलाड़ी, ये मैच का चौथा क्वार्टर का खेल चालू होता हुआ। काफी कंफर्टेबल लीड ले रखी है इस टाइम पर बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी की टीम ने। इसके बाद अभी 2 मैचेस और हैं मॉर्निंग सेशन में, और इवनिंग सेशन में भी 2 मैच आपको आज देखने को मिलेंगे एफजीएसएन के साथ। स्ट्रोक यहाँ पे
अच्छा पास जाते लेकिन उसको इंटरसेप्ट किया। बॉल पोजीशन अभी भी बीएमयू के पास। एक फाउल का इशारा जिसकी वजह से बॉल वापस मिलेगी बीएमयू को। काफी तेजी से आगे बढ़ाते हुए बॉल को प्लेयर स्लिप करा, बॉल पोजीशन खोया। बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी की टीम तेजी से आगे बढ़ती हुई, एक अच्छा स्ट्रोक यहाँ पे, लेकिन वापस बॉल मिलेगी बीएमयू की टीम को। मुंडा के पास बॉल, पासिंग ग्राउंडेड स्ट्रोक्स, मौका ढूंढ रहे यहां पे शूटिंग सर्कल के अंदर बॉल, एक अच्छा स्ट्रोक लेकिन उसको डिफ्लेक्ट किया यहां पे गोलकीपर ने। पोजीशन अभी भी भोपाल की टीम के पास। दोबारा से पूरा समय लेके अब प्ले एग्जीक्यूट करने का प्रयास रहेगा यहां पे बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी के खिलाड़ियों का। काफी तेजी से अंदर जाते हुए अब्दुल, एक अच्छा स्ट्रोक यहाँ पे और ये एक और गोल, बहुत ही शानदार और स्ट्रॉन्ग स्ट्रोक जिसकी वजह से ये गोल करने में सफल रही बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी की टीम। स्कोर इस मैच में अब हो चुका है 6 गोल्स बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी और 0 बीएमयू संभाजीनगर। एक मौका है यहां पे बीएमयू की टीम के लिए, लेकिन काफी अच्छा डिफेंसिव टैकल। दीवान के पास बॉल है, तेजी से आगे बढ़ाते हुए बॉल को भोपाल के खिलाड़ी। शानदार अटैक देखने को मिल रहा है हमें भोपाल के सभी खिलाड़ियों की तरफ से, लेकिन डिफेंस करके बॉल को वापस अपने पोजीशन में लिया बीएमयू के खिलाड़ियों ने। आप चौथे क्वार्टर का खेल देख रहे हैं जो इस मैच का आखिरी क्वार्टर है। अब तक देख के ऐसा ही लग रहा है कि एक आसान जीत रहेगी ये बीयू भोपाल के लिए। एक पेनल्टी कॉर्नर और मिला है यहां पे बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी की टीम को। देखना होगा क्या इस मौके पर भी वो एक और गोल दाग कर अपनी लीड को और बढ़ा पाएंगे। दोनों टीम्स अपनी पोजीशन लेती हुई, कॉर्नर से स्ट्रोक लेने के लिए दीवान तैयार। एक तेज स्ट्रोक यहां पे लेकिन गोल मिस हुआ। अच्छा मौका है अभी भी और इसी के साथ एक और गोल। काफी अच्छे से इस प्ले को एग्जीक्यूट किया बीयू भोपाल के खिलाड़ी ने। पहले एक अच्छी गोलकीपिंग हमें देखने को मिली, लेकिन उसके बाद उसके रिबाउंड पे आप कह सकते हैं कि उस मौके को भुनाया भोपाल के खिलाड़ी ने और अपनी टीम के लिए ये 8वां गोल स्कोर किया है। जी माफ कीजिएगा, 7वां गोल प्ले देख सकते हैं इस प्रकार स्कोर हो चुका है 7-0। एक अच्छा स्कूप पास यहां पे, अच्छे से उसको रिसीव किया, मौका बन सकता है एक और गोल दागने का यहां पे, लेकिन स्ट्रोक काफी ऊंचा उठ के गोल पोस्ट के ऊपर से बैकलाइन से बाहर।
स्कूप पास यहां पे, गणेश ने बॉल को अच्छे से कलेक्ट किया। नवीन के पास बॉल, आगे बढ़ते हुए मौका ढूंढ रहे हैं अटैक करने का, अच्छा मौका यहां पे, लेकिन बॉल बाहर गई है बैकलाइन से। एक यहां पे पेनल्टी कॉर्नर मिलेगा बीएमयू संभाजी नगर की टीम को। गणेश दोबारा से अपनी टीम के लिए कॉर्नर से स्ट्रोक लेने के लिए तैयार। अच्छा प्ले यहां पे बनता हुआ, अच्छा मौका बन सकता है यहां पे बीएमयू के खिलाड़ी के लिए। एक और पेनल्टी कॉर्नर मिलेगा, लेकिन यहां पे रेफरी का इशारा। दोबारा से गणेश पोजीशन ले चुके हैं अपनी टीम के लिए स्ट्रोक लेने के लिए। पास अंदर आता हुआ, इसको अच्छे से रिसीव नहीं किया, एक अच्छा स्ट्रोक यहां पे, लेकिन बेहतरीन गोलकीपिंग और काफी अच्छा डिफेंस बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी के खिलाड़ियों की तरफ से। किसी भी प्रकार का मौका नहीं दे रहे वो बीएमयू के खिलाड़ियों को गोल स्कोर करने का। लॉन्ग कॉर्नर यहां पे, पोजीशन वापस जाता हुआ भोपाल की टीम के पास। काफी तेजी से बॉल को आगे बढ़ाने का प्रयास, दीवान के पास बॉल है अपनी टीम के लिए, आगे बढ़ाते हुए बॉल को। जी पासिंग, स्कोरिंग सर्कल के अंदर बॉल, एक अच्छा शॉट यहां पे, गोल एक और कन्वर्ट दे सकता है, लेकिन अच्छा डिफेंस। बॉल पोजीशन वापस भोपाल के खिलाड़ियों के पास, दीवान का एक अच्छा स्ट्रोक, लेकिन उसको डिफ्लेक्ट करके गोल की तरफ नहीं भेज पाए उनके टीममेट, बॉल सीधा बैकलाइन से बाहर। स्कूप पास देने का प्रयास था, लेकिन उसको इंटरसेप्ट किया यहां पे। अच्छा मौका यहां पे बन सकता था, लेकिन पास को रिसीव नहीं कर पाए प्रॉपरली बीएमयू के खिलाड़ी। तेजी से आगे बढ़ती हुई है भोपाल की टीम, अच्छा पास यहां पे, एक ग्राउंडेड और तेज सटीक पास, अच्छा डिफेंसिव टैकल। बॉल पोजीशन अपने आप हासिल किया यहां पे बीएमयू के खिलाड़ी ने। अच्छा अटैक बनता हुआ यहाँ पे,
लेकिन उसको डिफेंस करने में सफल रही यहाँ पे बीएमयू की टीम। बॉल को आसानी से यहाँ पे इंटरसेप्ट करके आगे भेजा दीवान ने, अच्छी पासिंग, एक मौका बनता हुआ यहाँ पे बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी की टीम के लिए। शूटिंग सर्कल के अंदर बॉल है उनके पास, एक और अच्छा पास यहाँ पे, एक अच्छी हिट यहाँ पे काम कर सकती है, लेकिन बेहतरीन डिफेंस। काफी अच्छा फुटवर्क यहाँ पे बीएमयू के खिलाड़ी का, और यहाँ पे एक और पेनल्टी कॉर्नर मिलेगा बीएमयू संभाजी नगर की टीम को। पूरी कोशिश करेंगे वो कि इस मौके पे तो एक गोल स्कोर किया जा सके और स्कोर बोर्ड पे अपनी टीम को भी रजिस्टर कर पाए। वापस से गणेश जाते हुए स्ट्रोक लेने के लिए, दोनों ही टीम्स अपनी पोजीशन पे तैयार। गणेश का स्ट्रोक, एक और पेनल्टी कॉर्नर मिलेगा यहां पे। जर्सी नंबर 2 के खिलाड़ी सूरज टीम के लिए स्ट्रोक लेंगे बाहर से। नई स्ट्रेटजी, अच्छी पासिंग, लेकिन उसको बॉल को आसानी से डिफ्लेक्ट करके डिफेंस बढ़िया करके अपने पोजीशन में लिया यहाँ पे भोपाल के खिलाड़ी ने। आगे बढ़ते हुए बॉल के साथ काफी तेजी से, एक अच्छा मौका यहाँ पे, शूटिंग सर्कल के अंदर बॉल, बॉल को डिफ्लेक्ट किया और इसी के साथ एक और गोल। बहुत ही अच्छे से इस प्ले को एग्जीक्यूट किया यहाँ पे बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी के खिलाड़ियों ने, और 8वां गोल स्कोर करने में यहाँ पे सफल रही भोपाल की टीम। मैच का स्कोर 8 गोल्स बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी भोपाल और 0 बाबा साहिब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी छत्रपति संभाजी नगर। से आगे बढ़ती हुई यहाँ पे भोपाल की टीम, अच्छा डिफेंसिव टैकल, दोबारा से मौका बनता हुआ यहाँ पे, अच्छा अटैक का, अच्छे से कलेक्ट किया है बॉल को, सैम मुंडा के पास बॉल, इस वक्त जितना हो सके उतना समय यूटिलाइज करेगी यहाँ पे भोपाल की टीम। एक स्कूप पास, लेकिन उसको कलेक्ट करने में असफल रहे उनके टीममेट। काफी तेजी से आगे बढ़ते हुए यहां पे बीएमयू के खिलाड़ी, अच्छा मौका बन सकता है, स्ट्राइकिंग सर्कल के अंदर बॉल है उनके पास, लॉन्ग कॉर्नर के लिए यहां बॉल मिलेगी संभाजी नगर की टीम को। काफी अच्छा डिफेंस यहां पे, बॉल को छीन लिया है वापस से भोपाल के खिलाड़ी ने, लेकिन उसको कंट्रोल करने में असफल रहे, मैदान से बाहर जाती हुई बॉल।
और इसी के साथ चौथे क्वार्टर का खेल और इस मैच की समाप्ति का साइरन। मैच खत्म हो चुका है। स्कोर जो फाइनल स्कोर है वो है आपके सामने, बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी 8 गोल और बाबा साहिब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी 0। काफी बड़ी लीड से इस मैच को जीत लिया है बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी की टीम ने और इस चैंपियनशिप में इस मैच को जीतकर वो ऑल इंडिया के लिए भी क्वालिफाई कर चुके हैं और यहीं पे बीएमयू का सफर समाप्त होता है। अपना अब आप बने रहिए जो नेक्स्ट लाइव मैच खेला जाने वाला है उसके लिए, जो कि खेला जाएगा यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा और आईटीएम ग्वालियर के बीच में। आप लाइव एक्शन देख सकते हैं FGSN।